11th क्लास इंग्लिश। आप लोग पोर्ट्रेट ऑफ लेडी पढ़ रहे हैं। माई ग्रैंड मदर के विषय में बात हो रही है। कल मैंने आपको फर्स्ट पैरा पढ़ाया था, सेकंड पैरा पढ़ाएंगे। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फ्लॉट, फैट एंड साइड बेंड, स्लाइटली बेंड। कहने की जो मेरी ग्रैंड मदर हैं, मेरी दादी हैं, बूढ़ी दादी हैं, बहुत पहले से हो। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, छोटी थी। सी वॉज नॉट लॉन्ग वुमेन एंड फैट, मोटी थी। एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ा से झुकी हुई थी। जब से मैं उनको देख रहा हूं, कुछ स्थूल शरीर था, मोटा शरीर था, छोटी थी और थोड़ा से झुकी थी हल्की सी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस आप रिंकली रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस, उनका चेहरा वाज ए क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस कहते हैं पंक्तियों का जंजाल। उनके चेहरे पर लकीरों की जाले बनी हुई थी। आप रिंकली रनिंग, सिलवटों वाली, वृद्धावस्था में शरीर में सिकुड़न आ जाती है, सिलवटें पड़ जाती। तो उनके चेहरों पर देख, बूढ़े लोगों के चेहरे पर वैसे भी देखिए सिलवटों की जाल बन जाती है। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, सर्वत्र, हर जगह, पूरे शरीर में देखिए तो पूरे चेहरे पर उनके सर्वत्र जो है सिलवटों की जाल बन गई थी। नो, नहीं, बी वेयर सर्टन, सी हैड ऑलवेज बीन एज बी हैड नोन हर। मुझे विश्वास है जैसे हम उनके विषय में जानते हैं सदैव वैसे ही रही होंगी। नहीं, हमको लगने देखने पर ऐसा नहीं लगता कि अब ऐसी हो गई है। वी वर सर्टेन, वी बिलीव्ड, हमें पूर्ण विश्वास था। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उनके विषय में जान चुके हैं हमेशा वैसे ही थी। ओल्ड, बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, इतना ज्यादा बूढ़ी थी दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अभी इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती। जितनी बूढ़ी इस समय है अभी इससे ज्यादा कोई बूढ़ा हो ही नहीं सकता। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, इट मीन्स 20 वर्षों से इसी अवस्था में उनको हम देख रहे हैं। आप लोग किसी किसी को देखते नहीं, भाई हम तो हमेशा जब से देख रहे हैं ऐसे ही इनको देख रहे हैं। वही बता रही है मर्जी कि मैं 20 वर्षों से इसी स्टेज में मैं उनको देख रहा हूं। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, कभी भी वो सुशोभित नहीं हो सकती थी। बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वे सदैव सुंदर थी। सुंदर होना दूसरी बात है, सुशोभित होना दूसरी बात है। अंग्रेजी वालों ने देयर इज मच मोर डिफरेंट बिटवीन वर्ड ऑफ प्रेटी एंड ब्यूटीफुल। प्रेटी और ब्यूटीफुल में अंतर है। तो सुंदर तो थी लेकिन वो सुशोभित नहीं हो सकती। सी हबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट। सी हबल्ड अबाउट द हाउस, घर में लंगड़े लंगड़े चलती थी। हैबल्ड माने जो थोड़ा से बुढ़ाई अवस्था में गांठ होंठ जकड़ जाती है, लोग वैसे भी लंगड़ा के चलते हैं। तो एक ना सी हबल्ड लंगड़ाती थी अबाउट द हाउस, घर में। कैसे? इन स्पॉटलेस, दाग रहित, धब्बे रहित, व्हाइट, सफेद, विद वन हैंड,
रेस्टिंग, सफेद वस्त्र पहनती थी सदैव, वन हैंड एक हाथ को रेस्टिंग आनर बेस्ट, अपने शरीर का बैलेंस बनाने के लिए एक हाथ तो अपने कमर पर रखती थी, वो टू बैलेंस हर स्टूप, अपने शरीर को संतुलित करने के लिए, एंड अदर और दूसरा हाथ टेलिंग द बीड्स, आप हर रोसेरी, दूसरे हाथ से मंत्र जपने वाला माला डुलाती रहती थी, घर भर में लंगड़ा लंगड़ा करके चलती थी, वो सफेद बिल्कुल रहती थी, एक हाथ कमर पर लगाए रहती थी और एक हाथ में उनके मन का माला डोलता रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वेरी स्कैटर्ड अनटाइड अनटाइडली, उनके बाल चांदी के समान सफेद खुले रहते थे, बिखरे रहते थे, अनटाइड बंधे नहीं रहते थे। ओवर हर पैल, कहां पर, उनके पीले पस्कर्ड फेस, सिकुड़े हुए चेहरों पर, उनके पीले सिकुड़े हुए चेहरों पर उनके बाल मंडराते रहते थे। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उनके होंठ हमेशा चलते रहते थे, कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली लगातार मूव्ड चलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, न उच्चारित होने वाले प्रार्थना के साथ। देखो जब मंत्र जपता है व्यक्ति माला पर तो उनका ओंठ हिलता है बस, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकलती, अनौच्चारित, जिसका उच्चारण बाहर नहीं आ रहा है, ऐसे प्रेयर माने प्रार्थना के लिए सदैव उनके होंठ हिलते रहते थे, डुलते रहते। यस, हाँ, शी वाज ब्यूटीफुल, बड़ी सुंदर थी वो, शी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, ओ शरद ऋतु की जाड़ा महीने के दृश्य की भांति थी, इन द माउंटेन, पहाड़ों पर, पहाड़ों पर ठंडी का दृश्य जैसा होता है वैसे लगा करती थी, एन एक्सपांस ऑफ प्योर वाइट, जैसे बर्फ के लबादे से बहुत लंबा प्रांत देखने में लगता है, बर्फ जमा हुआ प्रांत लगता है, सेरेनिटी बिल्कुल शांत, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और संतुष्टि से भरा हुआ, पूर्ण संतोष संतुष्टि से भरा हुआ उनका चेहरा, शरद ऋतु में ठंडी के समय में जैसे पहाड़ों का दृश्य लगता है, सफेद बर्फ से लदा हुआ उसी प्रकार सफेद वस्त्र और सफेद बालों से सुशोभित उनका चेहरा लगा करता है। सेकंड पर आज आप लोगों को मैंने पढ़ाया, उसको आप पढ़िएगा, सभी मीनिंग आपको स्पष्ट की गई है, शेष फिर परसों।